नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष धर्म पर, ग्रहों के विचरण, दशाओं इत्यादि विषयों पर बात करता रहता हूँ, ग्रहण इत्यादि विषयों पर बात करता रहता हूँ, नवग्रहों पर बात करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ग्रह के और उसके उपाय के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी सूचना आप हमारे कार्यक्रम नवग्रह मंथन में YouTube पर देख सकते हैं। आप YouTube पर जाकर नवग्रह मंथन चैनल को लाइक कर सकते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका लाल बटन दबाकर, जिससे कि इस प्रकार की सारी अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना ज्योतिष से संबंधित, जो कि शायद ही आपको किसी और ग्रंथ में या किसी और स्थान पर मिल पाए, ये मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सूचनाएँ मेरी वक्त पिछले 20-25 वर्ष में अनुसंधान शोध और विभिन्न देश के पत्र पत्रिकाओं में जो सूचना मैंने दी थी, एक प्रकार से उनका पूरा मैं आपको आप ये कह सकते हैं कि एक निचोड़ दे रहा हूँ। तो मैं आज आपके साथ नवग्रहों में जो 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, इनमें जो एक ग्रह हैं केतु, जो अत्यधिक रहस्यमय माने जाते हैं, रहस्यमय, उनके रहस्य का पार पाना कभी भी संभव नहीं है, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, उनसे जुड़े रत्न लहसुनिया का। कारण क्या कि मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ, कारण ये है कि केतु ने 7 मार्च 2019 को राशि बदल के वो धनु राशि में आ गए हैं और इसके साथ ही राहु भी धनु राशि में उसी दिन आए हैं। धनु राशि में पहले ही शनि का भ्रमण हो रहा है जो कि 16 जनवरी 2020 तक है, तो 16 जनवरी 2020 तक केतु और शनि इकट्ठे चलेंगे। बीच में ग्रह जब भी मिथुन या धनु राशि में जाएंगे तो इनसे वो उनका इंट्रैक्शन होगा। एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है, 3 नवंबर 2019 को बृहस्पति भी धनु राशि में आ जाएंगे और वो 16 जनवरी तक जो है केतु और शनि के साथ में, यानी 3 ग्रह केतु, शनि और राहु बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे। ये लगभग कोई 4-5 महीने का समय है। ऐसी ग्रह स्थिति पिछले 180 वर्ष में नहीं आई है। पहली बात तो केतु और शनि का 7 मार्च 2019 से 16 जनवरी 2020 और केतु गुरु और शनि का 3 नवंबर 2019 से 16 जनवरी 20, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है। इसमें जो समस्याएं आपकी होंगी उनका कहीं ना कहीं संबंध, तो इन समस्याओं का निदान मिलना, इन समस्याओं का स्रोत क्या है, ये क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण है, फिर उनका सोल्यूशन ना मिल पाना, ये बहुत बड़ा एक विषय होगा। और जब भी ग्रहण होंगे आने वाले सितंबर 2019 तक, तो धनु और मिथुन राशियों में होंगे, तो जब भी ग्रहण होंगे तो भी इस केतु के बारे में बात उठेगी। तो इसीलिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एक ऐसा उपाय जो कि जब हम केतु के लिए उपाय करेंगे, केतु जो घटना चक्र को जन्म देगा बृहस्पति और शनि के मिलन के कारण, इसके साथ वो होगा शनि केतु का शत्रु और गुरु राहु का शत्रु, तो गुरु चंडाल योग भी बने पड़े हैं, प्रबल विपरीत योग बने पड़े हैं। तो उपाय क्या है, एक उपाय है केतु के लिए, उसका एक रत्न है लहसुनिया धारण करना। लहसुनिया एक प्रकार से ऐसा रत्न है जिसमें बिल्ली की आंख जैसी एक धारी से बनी होती है, आंख जैसा नज़र आता है और जब आप उस रत्न को घुमाते हैं तो जैसे बिल्ली की आंख घूमती है, धारी उसकी घूमती नज़र आती है। 2.5 धारियां जिस लहसुनी में बहुत अच्छा गिना जाता है। एक दक्षिण भारत में कनक खेत जगह है, उसका केतु जो लहसुनिया है दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है।
परंतु देश दुनिया के विभिन्न भागों में लहसुनिया मिलता है, हर प्रकार के लहसुनिया हुआ करते हैं, कोई काले, कोई सफ़ेद, कोई लाल, कोई पीले। इसका एक उपरतन टाइगर आई भी होता है, परंतु लहसुनिया मुख्यतः अधिक लाभकारी रहता है टाइगर आई से। लहसुनिया एक ऐसा रत्न है जिसको जापानी लोग बहुत पसंद करते हैं और महंगे से महंगे रत्न धारण करना चाहते हैं। उसका शायद एक कारण है कि जापान जो है एक प्रकार से पूरा राष्ट्र ऐसा जो शोध अनुसंधान पर बहुत विश्वास करता है, और शोध अनुसंधान में जो इंट्यूटिव पावर्स हैं वो लहसुनिया से बहुत अधिक जुड़ी हुई है, शायद ये कारण हो सकता है। अब केतु रत्न जो है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्तमान युग में वैज्ञानिक अनुसंधान जितने भी है उनसे ये सिद्ध हो चुका है कि रत्नों में समाहित जो विभिन्न रंग के कलर्स हैं वो एक ऊर्जा के स्रोत हैं। रूबी में जो गुलाब एक प्रकार से पिंक शेड है, मूंगे में लाल है, पन्ने में हरा, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। तब मानव जीवन पर प्रभाव डालने में एक प्रकार से प्रबल रूप से अपना असर दिखाते हैं, शक्ति के पुंज माने जाते हैं। रत्नों में समाहित ऊर्जा भौतिक और मौलिक विशेषताओं के अतिरिक्त देवी शक्तियों के चमत्कारिक प्रभाव से अछूती नहीं है, और ये चमत्कारिक प्रभाव तब अधिक बनता है जब विशेष करके जब आप उस रत्न को ऊपर मंत्र शक्ति का प्रभाव भी बढ़ाते हैं, यानी रत्न के ऊपर मंत्र भी करते हैं, तो उस रत्न की गुणवत्ता बहुत अधिक उसमें अंतर देखा जा सकता है। यानी जब आप एक मंत्र बोल रहे हैं तो एक जो फ्रिक्वेंसी मंत्र से जनरेट हो रही है और जो रत्न जो है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है कलर की उसका बड़ा शुभ मैचिंग हो जाता है, और गुणवत्ता जो है उसकी शुभ गुणवत्ता अत्यधिक प्रबल रूप से देखी जा सकती है। और यदि रत्न में कुछ खराबी है तो उसकी जो अशुभ गुणवत्ता है, और जब आप उसके मंत्र जाप करते हैं तो वो रत्न आपके हाथ पर ही नहीं आएगा, मंत्र जाप से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका मन ही नहीं करेगा उसको। तो मंत्र जाप से जो है आप रत्न की उपयोगिता अपने अनुरूप करने में सहायक होते हैं मंत्रों के कारण। इसी कारण रत्नों का मनुष्य के मन, मस्तिष्क, शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। उससे संबंधित मनस्थिति और भौतिक स्थितियों पर बड़ा फर्क पड़ता है रत्न के धारण करने से। इन भौतिक और देविंग शक्तियों का धारक जो है, यानी रत्नों का धारक जो है, ये मनुष्य के जीवन पर भविष्य पर प्रभाव डालता है। एक तो इमीडिएट प्रभाव होता है, जैसे आपको बड़ी चोटें लगती है, मूंगा डाला तो वो चोटें रुक गई। एक होता भविष्य में 10 साल के बाद कुछ होना है, तो भौतिक और देविक शक्तियों का जो मिलन होता है रत्न और मंत्रों के कारण और जो प्रबलता आती है उससे भविष्य पर आने वाली घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। और रत्न को धारक जो है कुंडली के साथ रत्न का धारक जो है, जो रत्न है धारक की कुंडली में यदि अनुकूल स्थिति में है और शुभ है और तो अधिक शुभ प्रभाव देगा, और यदि आपने रत्न को जो है अनुकूल स्थिति में ग्रह नहीं है, गलत रूप से एनालाइज करके किसी रत्न को डाला, तब नुकसान उससे आपको हो सकता है। नवरत्नों में केतु ग्रह का रत्न जो है लहसुनिया केतु की भांति चमत्कारिक प्रभाव लिए हुए, क्योंकि केतु चमत्कारिक है, मिस्टिक है, और रत्नों के मुकाबले तथा इसमें ऊर्जा और रंग की फ्रिक्वेंसी भी सबसे अधिक है, यानी एनर्जी बहुत अधिक है। ये बड़ा गर्म और ड्राई नग है, हाथ में पकड़े के हीट बढ़ जाएगी और लगता फटा हुआ ऐसा है ये, और अत्यधिक प्रबल है, ये रूबी से भी ज़्यादा प्रबल है, तो इसकी कलर फ्रिक्वेंसी और इसकी ऊर्जा बहुत अधिक है। क्योंकि केतु ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियों से मिस्टिक, जैसे मैंने कहा मिस्टिक पावर से संबंध रखता है, अथवा किसी भी कुंडली में ऐसी अचानक घटने वाली घटनाओं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण ना हो, या जैसी भयंकर बीमारियां दमा, टीबी, कैंसर इत्यादि तथा अन्य दैवीय घटनाओं, कुछ घटनाएं कैसी होती हैं, जैसे 1995 में गणेश जी की प्रतिमाओं का दूध का भोग लगाना और लोग एकदम से मंदिरों में दौड़े थे, या भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भविष्यवाणी द्वारा देवकी का अष्टम संतान द्वारा कंस के वध की चेतावनी देना, ये सब केतु से जुड़े कार्यकलाप है। बिजली चमकी थी कृष्ण के जन्म से पहले, और वो जो बिजली चमकी थी वो एक भविष्यवाणी थी कि कंस के लिए कि तू जो है तेरा नाश होने जा रहा है कृष्ण के द्वारा।
और ये बिजली कब चमकी थी, जब उसने जो एक बालिका पैदा हुई थी भगवान कृष्ण के जन्म से पहले, उसको पत्थर के ऊपर पटका तो उसके हाथ से छिटक के आसमान में गई। एक प्रकार से उसने देववाणी का, भविष्यवाणी का रूप लिया और बिजली कड़की और कंस को उसने ये एक प्रकार से मैसेज दिया कि तेरा अंत होने वाला है। तो वो जो भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी कार्यकलाप, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जो घटना होती है हर मनुष्य के जीवन में, वो क्या है? ये होती है कि कोई भी बालक जब वो जन्म लेता माँ के गर्भ में जाता है तो उसकी हार्ट बीट कब स्टार्ट होगी, ये आज तक कोई भी अनुसंधान में इस चीज़ को नहीं जान पाया। वो कब स्टार्ट होगी, किस मोमेंट में वो स्टार्ट होगी और उसका ऊर्जा स्रोत क्या है? और ये ऊर्जा स्रोत जो है ये केतु ग्रह है, यही केतु ग्रह है जब माँ के गर्भ में बच्चे की पहली हार्ट बीट स्टार्ट होती है। और किसी की कुंडली में, माता की कुंडली में केतु खराब है तो एबॉर्ट होने का खतरा हुआ करता है। अब ये एक प्रकार से ऐसी चीज़ है जिस पर साइंटिफिक वे में बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि ये गलत है, परंतु आप इसका स्रोत क्या है बच्चे की जन्म कुंडली में हार्ट बीट स्टार्ट होने का? इसका रिवर्स एक्शन ऐसे देखिए, जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है और हृदय रुकता है तो डॉक्टर उसकी चेस्ट को प्रेस करते हैं, ऊर्जा देके हार्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी जो बर्थ के टाइम पे जो ऊर्जा से हार्ट बीट स्टार्ट हो रही है, हार्ट अटैक के समय उसी ऊर्जा को हम आर्टिफिशियल वे में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये सबको पता है लंग्स और हार्ट में एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो कि बिजली होती है जो चलती है, जिसके आपका हार्ट बीट और पूरी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो नियंत्रित होता है उसका संबंध ब्रेन से भी होता है। सो ये जो पहली जो हार्ट बीट है उस हार्ट बीट का स्रोत जो है केतु ग्रह को माना गया है वेदों में। केतु जो है, अब ये भी कहा जा सकता है कि लहसुनिया केतु के प्रभाव को शुभ अथवा अनुरूप करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये बात मानी है, ये ज्योतिष में देखा गया। परंतु इसी कर्ण किसी अन्य रत्न की उपस्थिति में धारक के लिए ज़्यादा उपयोगी देखा गया है। कैसे? मान लीजिए आपका केतु खराब है परंतु आपका लग्न जो है सिंह है, आपने माणिक साथ में डाला तो इसका प्रभाव अधिक अच्छा हो जाएगा। यदि आपका मान लिया लग्न मिथुन या कन्या है, स्वामी बुध है लग्नेश, तो पन्ना डाला और लहसुन डाला तो शुभ हो जाएगा। यानी कि अकेला लहसुनिया उतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा जितना किसी अन्य ऐसे रत्न को आप धारण करते हैं जो आपके लग्न का मित्र हो। क्योंकि केतु एक छाया ग्रह था, इसका किसी भी कुंडली में और ग्रहों के साथ योग अथवा दृष्टि संबंध इसके गुणों को प्रभावित करता है। केतु एवं राहु एक वर्ष में डेढ़ वर्ष में एक राशि में रहते हैं और 18 महीने भ्रमण करते हुए 18 वर्ष से, यानी कहने का तात्पर्य 18 वर्ष में राशि चक्कर पूरा करते हैं 360 डिग्री का, 12 राशियों को 18 वर्ष में पूरा करते हैं और 18 माह में एक राशि को करते हैं, 18 वर्ष में पूरे राशि चक्र को ये करते हैं। क्योंकि इनकी गति पूर्णतः वक्री है, अतः इनके प्रभाव भी दूरगामी होते हैं। स्लो मूविंग होने से इनके ग्रह दूरगामी होते हैं। 18 वर्ष के बाद में ये अपनी राशि में दोबारा घूम के आते हैं। बृहस्पति राहु और गुरु एक पर्टिकुलर स्थिति में जब भी होते हैं वो स्थिति 180 वर्ष के बाद ही आ पाती है। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि मार्च महीने में जो केतु आए हैं धनु राशि में, शनि पहले से हैं और नवंबर के आदमी शनि केतु और गुरु तीनों धनु राशि में होंगे, राहु मिथुन में होंगे, ये स्थिति 180 वर्ष के पश्चात आई है तथा इसके उपरांत ही आगे भी 180 वर्ष के उपरांत आएगी। इसलिए केतु रत्न के ऊपर मैं ज़्यादा आपसे बात कर रहा हूँ। केतु को प्रभाव में मंगल अथवा कुजा यानी मंगल की भांति बताया गया है। शनि वते राहु, कुजा वते केतु, यानी शनि राहु के भांति हैं, राहु शनि की भांति हैं और केतु मंगल की भांति है। परंतु ये ध्यान रखें कि केतु का जो रत्न लहसुनिया है वो मंगल रत्न मूंगा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि लहसुनिया को मंगल ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी अगर मंगल की शुभता बढ़ानी है तो आप मूंगा ही डालें। केतु जो है मंगल के ग्रह को कम या ज़्यादा कर सकता है यदि आप मूंगे के साथ में लहसुनिया को डालते हैं।
मंगल के लिए केतु आप नहीं डाल सकते हैं और केतु के लिए मूंग आप नहीं डाल सकते हैं, ये कहा गया है। केतु का भाव भौतिक जीवन में दखल बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा मिस्टिक्स तो आ रही है, इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है, योग ध्यान से जुड़ा हुआ है। केतु को आप साधकों में, ऋषियों में, मुनियों में, तांत्रिकों की कुंडली में बहुत बलि देखा गया है, क्योंकि ये सभी लोग दूरदृष्टि अथवा दैवी दृष्टि या इंट्यूशन के उच्च स्वामी होते हैं तथा इसका उपयोग चिकित्सा, भविष्यवाणी, सिद्धि, भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए और कुंडली जागरण के लिए भी करते हैं। अब देखिए, केतु राशि चक्र के अंतिम राशि मीन, जो कि मीन 12वें स्थान से इंट्यूशन के स्थान से संबंध रखती है, और जलीय राशि तथा अन्य जलीय राशि वृश्चिक, जो कि गुप्त विद्याओं का और तथा क्रियाओं का स्थान है, उनसे जुड़ी हुई है। इसलिए केतु जो है इन दोनों राशियों में उच्च होता है। फिर दोबारा मैं बात कह दूं, राशि चक्र की अंतिम राशि जो है मीन है, जल राशि है, जल राशि इंट्यूशन से जुड़ी हुई है, कर्क, वृश्चिक और मीन, और अन्य जो जल राशि है वो है वृश्चिक, वो 8वीं राशि है, 12वीं है मीन, 8वीं है वृश्चिक। वर्तमान आप अपने जीवन के वर्तमान समय में यदि एक साधक है, एक योगी है, एक गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये मान के चलेगा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि बहुत अधिक अच्छी है। परंतु यदि आप अच्छा भविष्य वक्ता भी बनना चाह रहे हैं तो समझिए आपका मीन राशि भी बहुत अच्छी है कुंडली में। तो गुप्त, अब ये कहा जाता है कि वृश्चिक राशि जो है वर्तमान में यदि प्रबल है तो आप अच्छे योगी और साधक होंगे, उसका कारण क्या है? योग में जो वृश्चिक राशि है, मूलाधार चक्र कहा जाता है इसके, इसमें गणेश स्थित हैं, मूलाधार चक्र अष्टम भाव में देवी का आराम स्थल है, भक्ति देवी इसमें सुप्तावस्था में रहती हैं, तो गुप्त स्थान में शक्ति का जो विचरण जो है आराम की जगह है, गणेश के साथ है, तो इसलिए जो है मूलाधार चक्र यदि उसमें केतु हैं तो भक्ति देवी अपनी अत्यधिक उत्तम स्थिति में स्थित हुआ करते हैं, इसलिए योगी बनने में, साधक बनने में उसका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे ही कुंडली जागृत होती है, केतु ग्रह जब भी बदलेगा तो कुंडली जागृत होती है, वो भक्ति दुर्गा जो है कुंडली से निकल के ऊपर की ओर जाती है और 12वीं राशि जो मीन है सहस्रार, वहाँ पहुँच के अंतिम जो उनका चरण है वहाँ पहुँच के आपके इंट्यूशन को जागृत करती हैं। इसलिए वृश्चिक और मीन राशियों का केतु की ये दोनों राशियाँ उच्च हैं। दोनों राशियों में यदि आप साधक हैं, इंट्यूटिव पावर को यूज़ करके अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वाक सिद्धि चाहते हैं, तो लहसुनिया को धारण करना अत्यधिक उत्तम आपके लिए होगा, क्योंकि दोनों राशियाँ उच्च है। अतः इन क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को लहसुनिया धारण करने में बहुत लाभ मिलता है। किसी व्यक्ति को जो अन्वेषण यानी वैज्ञानिक हो या गुप्तचर अधिकारी, जो कि एक डार्क एरिया में शेडो एरिया से संबंध रखता है, लहसुनिया धारण करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। यानी रॉ आईवी के अधिकारियों को, इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों को लॉ लहसुनिया धारण करने लाभ मिलता है, क्योंकि उन्हें दूर दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार अच्छे ज्योतिषियों एवं गुप्त विद्याओं से संबंधित अन्य व्यक्तियों को भी मानव जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता के लिए लहसुनिया धारण करने से शुभ लाभ रहता है, परंतु अच्छा रहता है यदि वो लग्नेश का रत्न भी धारण करें। केतु का प्रभाव भौतिक कम तथा मानसिक अधिक होने से कुंडली में उन स्थानों में जो कि भौतिक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, इसका संबंध होने से बाधा होती है। यानी जो भौतिक जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का स्थान है, यदि वहाँ पर केतु बैठ जाए या उसमें दृष्टि हो तो केतु के कारण वहाँ बाधा आती है। इसी कारण लगन चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम भावों का केतु से संबंध होने पर इन भावों से संबंधित भावों में इनसे संबंधित जो लाभ है उनमें बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं और भी बढ़ जाती हैं यदि केतु नीच अथवा अशुभ राशियों, किन में होता है ये नीच अथवा अशुभ, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में यदि राहु ये केतु हो तो नीच होता है। चतुर्थ में केतु अशुभ होने से, यानी चतुर्थ स्थान में केतु आपके कुंडली में यदि हो तो आपको जो है हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। हृदय के रोग होना, फेफड़ों के रोग होना, अशांत मन होना,
माता की खराब चतुर्थ भाव माता से जुड़ा है, वहाँ पे उनके सेहत को समस्या होना, मातृ सुख में कमी होना है, नींद कम होना, घर जमीन अथवा स्थायी संपत्तियों के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाना, अजीब किस्म के सपने तथा शरीर सपने तथा शनि गुरु या मंगल जैसे ग्रहों से संबंध होने पर दमा कैंसर जैसी बीमारी या किसी कारणवश आपके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों से जेल जाने के योग बनते हैं। मनुष्य केतु क्योंकि एक इंट्यूटिव स्टार है, परंतु यदि विपरीत है इंट्यूटिव पावर्स में दूरदृष्टि में तो ज्वारी और सट्टेबाज हो सकता है। ऐसी स्थिति में और ज्वारी सट्टेबाज मैंने ऐसे देखे लोग जो कि सब कुछ बिक जाए परंतु अपनी इस हरकत से नहीं बाहर जाते, शेयर मार्केट में चले ही रहते हैं, घर बिक गया, द्वार बिक गया, स्त्री के गहने बिक गए। यदि इस प्रकार की एडिक्शन हो आपको तो ऐसी स्थिति में लहसुनिया धारण करने से इन समस्याओं के समाधान में शांति मिलती है। कैसे? आपकी जो लॉस का है वो लॉस कम होने लगता है, आपकी समझ और विल पावर बढ़ने लगती है, धीरे धीरे आप इस क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। परंतु साथ में लग्नेश का रत्न धारण करें। इसी प्रकार पंचम भाव में केतु की स्थिति पुत्र संतान के जन्म, आजकल के ज़माने में पुत्र और यानी बालक और बालिका की बात करना एक प्रकार से गलत है, परंतु वेदों में कहा गया है पंचम भाव में केतु होने पर इंद्र भी चाहें तो पुत्र संतान नहीं होती। ये वेद की बात कर रहा हूँ मैं। पंचम भाव में केतु की स्थिति पुत्र संतान के जन्म तथा सुख में बाधा बनती है तथा दिमागी बीमारी, क्योंकि न्यूरो से पंचम भाव में जुड़ा है, पाचन क्रिया पंचम भाव डाइजेशन से जुड़ा है, लीवर से जुड़ा है। इनके रोग उदर स्थान में भूख की कमी होना या इरेटिक डाइजेशन होना, इसके कारण पीलिया तथा सिरासिस ऑफ लीवर जैसी या यूट्रस, क्योंकि पंचम भाव गर्भ से जुड़ा है, बच्चों से जुड़ा है, गर्भाशय के रोग होना, कैंसर जैसे रोग होना, जैसे सिस्ट बन जाती हैं, उस प्रकार की बाधा होना, ये सब केतु के कारण होता है। शेयर मार्केट में भारी हानि होना, धन स्थिति में अचानक उतार चढ़ाव, बड़े भाई अथवा बहन की अचानक मृत्यु या कैंसर या टीवी जैसे रोग से ग्रसित होना केतु के कारण संभव होता है। यदि पंचम भाव में केतु हो और वो केतु भी नीच हो, वृषभ मिथुन वृषभ राशि का, मिथुन राशि का, मकर राशि का या कुंभ राशि का हो, ऐसे लहसुनिया का यदि लग्नेश के रत्न और पंचमेश के रत्न के साथ धारण करना। लग्नेश और पंचमेश का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए आपका सिंह लग्न है तो सिंह लग्न के लिए स्वामी है आपका सूर्य और पंचम भाव ये होता है, ये यहाँ से गिन गए 1, 2, 3, 4, 5 और यहीं पे केतु बैठा है तो आपको इसका उपाय करना। आप एक एडिक्शन हो रही है आपको शराब की, खाने पीने की या शेयर मार्केट डूबे सट्टे की, तो एक सिंह लग्न के लिए माणिक डालिए, पंचम भाव का आप डालिए साथ में पीला पुखराज और साथ में डालिए लहसुनिया, आपको स्थिति को नियंत्रण में रहने में लाभ मिलेगा। जो भी आपका लग्न है उससे जुड़ा रत्न तथा पंचम भाव से जुड़ा रत्न साथ में लहसुनिया धारण करने से आपको लाभकारी रहता है। परंतु पंचम भाव में उच्च राशि वृश्चिक या मीन ये हो, यानी ये दोनों राशियां उच्च की हों यदि पंचम भाव में, या कर्क या सिंह हों, ज़्यादा जो है फेवरेबल हैं वृश्चिक या मीन, उसके आगे कर्क या सिंह, तो उच्च केतु के लेखक, उच्च कोटि के साधक, वैज्ञानिकों या राजनीतिज्ञों के लिए बहुत लाभकारी देखा गया। ऐसे में ऐसी स्थिति में पीली धारी का तीन रत्ती का लहसुनिया, पीली धारी का मैंने कहा था ना लहसुनिया कई प्रकार के होते हैं, मोती या पीले पुखराज के धारण करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी बढ़ जाती हैं, आप देव तुल्य आपका व्यवहार होने लगता है। इसी प्रकार केतु के सप्तम भाव में स्थिति, सप्तम भाव ये हुआ करता है, ये सिंह लग्न है, ये सप्तम भाव है आपका, जो भी लग्न है उससे ये जो स्थान है सप्तम भाव है, यहाँ पे यदि केतु है यानी केतु सप्तम भाव में स्थिति केतु की, शत्रु या अशुभ राशियों में होने पे, शत्रु और शुभ राशियाँ कौन है, वृषभ मिथुन और कन्या तथा मकर और कुंभ, ये इनकी शत्रु राशियाँ हैं, होने पर अशुभ या त्रुटिपूर्ण वैवाहिक जीवन, अनैतिक या गुप्त वैवाहिक संबंध, जीवन साथी का नशेबाज होना, गुर्दे के रोग होना, रक्त कैंसर या रीढ़ हड्डी के कैंसर जैसी समस्या यानी बोन कैंसर या ब्लड कैंसर, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये मज्जा से जुड़ा है, बोन मोरो से जुड़ा है,
वहीं से टेस्ट किए जाते हैं, रेडियोलॉजी से लिया जाता है। तो ये कैंसर जैसी समस्याएं आती हैं, इस स्थिति में लहसुनिया धारण करना शुभ रहता है। कैंसर को क्या ये रोक पाएगा? नहीं, तो सही वक्त पे आप इसको डायग्नोस कर पाते हैं और होने वाला आगे भविष्य में होने वाले कैंसर को रोकने में सहायक हो सकता है। जब और ये स्थिति तब डेवलप होती है जब केतु की महादशा अथवा सप्तमेश की महादशा चल रही हो, नीच केतु हो और सेवंथ हाउस का जुड़ा, जैसे अभी सिंह लग्न की बात कर रहा था, सिंह लग्न में सेवंथ हाउस का स्वामी है शनि, उसकी दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, तो तब कैंसर का खतरा बनता है। अशुभ राशियों में यदि केतु शनि सूर्य मंगल के साथ सप्तम अथवा अष्टम भाव में हो या लग्न में होता था स्त्री की कुंडली में, यानी आप पुरुष हैं, आपकी में कुंडली में सप्तम भाव में शनि सूर्य मंगल के साथ केतु हो या अष्टम भाव में या लग्न में केतु हो इन ग्रहों के साथ, तथा स्त्री कुंडली में भी केतु शनि चंद्र मंगल इत्यादि सप्तम या अष्टम भाव में होने से गुप्त रोगों जैसे एड्स आदि की संभावना रहती है, एड्स आदि की संभावना रहती है, यानी कि वृषभ मिथुन कन्या मकर और कुंभ में सप्तम या अष्टम भाव ये राशियां पड़ती हों, यहाँ पे केतु हो साथ में मंगल शनि गुरु हों, तो एड्स इत्यादि की गलत आचरण के कारण संभावना रहती है। इसी प्रकार केतु यदि पंचमेश या शनि के साथ पांचवें घर के स्वामी के साथ सप्तम भाव में हो और विशेष करके यदि चंद्र के साथ हो तो कैंसर की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी जैसे पंचमेश मान लिया बृहस्पति है और साथ में केतु है और शनि भी हो तो कैंसर की संभावना शरीर में बढ़ जाती है। इन्हीं ग्रहों में से किसी की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही हो, पंचमेश जैसे मान लिया बृहस्पति है, सप्तमेश शनि है, इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, साथ में सातसती चल पड़े या केतु की दशा चल पड़े, तो ये कैंसर इत्यादि की स्थितियों का निर्माण हो सकता है। यदि मार्ग यही यदि महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, साढ़े सती इत्यादि चल रही हो, तो व्यापार में जबरदस्त घाटा या नुकसान तथा शत्रुओं द्वारा भारी घाटा या अपघात की स्थिति संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये पाया गया है कुछ तांत्रिक लोग स्त्री का उपयोग अपनी तांत्रिक सिद्धियों के लिए करते हैं, जो कि उनके लिए तथा संबंधित माध्यम जो होती है स्त्री उसके लिए घातक होता है। अभी कई साधु बाबाओं को आप पाएंगे कि वो जेलों में है, मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु वो इसलिए भी जेलों में है क्योंकि ये कहा गया उन्होंने रेप किया, ये किया, वो किया, परंतु उन्होंने स्त्री को माध्यम बनाने का प्रयास किया अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और वो चीज़ उल्टी पड़ गई। इसलिए ये कहा गया है कि जो तांत्रिक लोग स्त्री का प्रयोग अपने तांत्रिक सिद्धियों के लिए करते हैं तो उनका तथा जो स्त्री माध्यम बनती है दोनों के लिए खराब हो सकता है। इस स्थिति में स्त्री लहसुनिया का पीले पुखराज और लग्नेश के साथ रत्न धारण करने से आप इस प्रयास से बचते हैं, आप स्त्री से दूरी रखते हैं, इस प्रकार के खतरे से बचते हैं। यदि दशम भाव में केतु जो कर्म भाव है, नौकरी का, व्यापार का है, जीवन यापन का है, या उच्च पद पर आप हैं, राजनीतिक जीवन में यदि केतु है साथ में, राजनीतिक जीवन में असामान्य उतार चढ़ाव पितृसुख में कमी तथा दुष्कर्म की ओर संकेत करती है। लहसुनिया के साथ आशिक या दशमेश का यानी कि लहसुनिया के साथ में दशमेश या लग्नेश का रत्न धारण करना इस स्थिति में लाभकारी रहता है। मान लिया कि आपके दशम भाव में दसवां जो स्थान है ये है दसवां स्थान, जैसे आपका लग्न है ये दशम भाव है, ये दशम भाव है, यहाँ पे केतु है, केतु की दशा चल रही है, यहाँ पे देखिए वृषभ राशि है, केतु नीच है, यहाँ पे केतु है, केतु की दशा चल रही है, साथ में मान लिया कि मंगल है, कोई और उसका शत्रु ग्रह है, तो असामान्य स्थिति बन रही है, उतार चढ़ाव है, उठा पटक हो रही है कैरियर में, तो उस समय जो है आपको दशमेश यानी जैसे यहाँ पे शुक्र है, माणिक हीरा और लहसुनिया धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। लग्नेश का रत्न माणिक, दशमेश का हीरा और केतु का रत्न धारण करने लाभ के असामान्य जो उठा पटक होती है स्पेकुलेटिव उससे लाभ मिलता है। पितृ सुख में जो कमी हो रही है, पिता से रिश्तेदार बनना, पिता को बीमार रहना, आगे भविष्य में जाके उनके जीवन को खतरा होना, या पिता दुष्कर्म में या आप दुष्कर्म में प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको लहसुनिया के योग से आप ठीक कर सकते हैं। लहसुनिया के साथ
लग्नेश और दशमेश का रत्न धारण करना इस स्थिति में बहुत शुभ कार्य रहता है। पिता नौकरी कार्य क्षेत्र के लिए और लेफ्ट साइड के लंग के लिए। यदि केतु सूर्य और दशमेश की जीवन में केतु सूर्य और दशमेश के साथ हो और इनकी दशा जीवन में चल रही हो, केतु की सूर्य की या दशमेश की जीवन में चल रही हो, तो नौकरी हो या व्यापार हो उसमें उतार यानी गिरावट की संभावना होती है। नवम भाव में यदि तृतीय नवम भाव यानी नाइन्थ हाउस जो आपका या तृतीय हाउस नाइन्थ या थर्ड हाउस में, उसमें मिथुन कन्या राशि होने पर, जैसे ये मान लीजिए आपका लग्नेश है, ये दो स्थान है, ये तीसरा है और ये नवा है। इसमें मान लिया मिथुन और कन्या राशियां या वृषभ है, दो तीन और छह राशि इसमें या इसमें हो, तो क्या होता है, ये धर्म से ज्ञान से और इनिशिएटिव से जुड़ी राशियां हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में ये कोई नवम भाव धर्म से जुड़ा, आप अपने धर्म के अंदर दूसरे धर्म का उपासक बनते हैं। जैसे आप हिंदू हैं, अपने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में चले गए या आप क्रिश्चियनिटी में चले गए और उस प्रकार के उपासक हो जाते हैं जो अपने धर्म से विपरीत है। इसी प्रकार आप ऐसी स्थितियों में तांत्रिक भी बन सकते हैं, तांत्रिक साधन कर सकते हैं, जो कि साधना मना की गई है ज्योतिष में तंत्र में। कुछ साधनाएं जो जिनके लिए बिल्कुल कहा गया है कि नहीं करना चाहिए, आप ऐसी साधनाएं करते हैं और इन्हीं के कारण आपका पतन होता है। एक विश्वविख्यात तांत्रिक किसी पर कहते थे, ये इसी ग्रह स्थिति का शिकार होकर तिहाड़ में भी रहे, इनकी कर्क लग्न की कुंडली थी 30 अक्टूबर 1945 अलवर का इनका जन्म स्थान था। मैं इनका नाम नहीं लूँगा, परंतु ये अत्यधिक महत्वपूर्ण तांत्रिक थे, प्रबल राजयोग इनको था, उच्चतम स्तर पर ये लोगों से डील करते थे। इनका चार नंबर की कुंडली थी, छठे भाव में केतु जो था, केतु इनका छठे भाव में था, सिक्स्थ हाउस में केतु होने से क्या होता था, देखिए मैं आपको इनका कुंडली का आपको बता देता हूँ। ये इनका चार नंबर लगन था, ये चार नंबर, ये तृतीय भाव में इनका केतु था, तृतीय भाव में केतु था और सात नंबर में नीच का सूर्य था। अभी अत्यधिक प्रबल साधक थे, ये तांत्रिक कह सकते हैं इनको। अब ये सप्तम इनका जो तृतीय भाव में चतुर्थ भाव में नीच का सूर्य और नीच का केतु, इस विश्वविख्यात तांत्रिक को जेल में रहना पड़ा तिहाड़ में 30 अक्टूबर 1949 का बृहस्पति इनका जन्म था, बृहस्पति भी नीच था, नवमेश बृहस्पति नीत, नीच स्थान में इनका राहु, नवम भाव में नीच केतु, इस प्रकार जो है इनका ये योग बना, प्रबल तांत्रिक बने, सूर्य नीच था, बहुत धन आके निकला, शनि मंगल द्वितीय भाव में इन्होंने तांत्रिक क्रियाओं से लोगों को वश में करते थे, सिंह राशि में थे ये जातक, जब शनि महादशा में गुजर रहे थे, शुक्र चंद्र में चल रहे थे, ये जेल में गए। इस वक्त ये जीवित नहीं है, इनका नाम नहीं मैं ले रहा, परंतु इन गृहस्थियों का उदाहरण मैंने दिया है कि नीच केतु होने पे, शनि मंगल खराब होने से, सूर्य नीच होने से, ज्यादातर ग्रहों का नीच शत्रु राशि होने, आप तांत्रिक तो बने, आपने देश की सत्ता को उच्चतम स्तर पर प्रभावित किया, परंतु एंड में आप जेल भी पहुँच गए। ग्रहण में जन्मे मनुष्यों के लिए लहसुनिया का धारण करने अधिक लाभकारी रहता है, क्योंकि ग्रहण में राहु केतु जिसका ये रत्न है और लहसुनिया का रत्न धारण करना, विशेष करके जन्म समय में यदि चंद्र के साथ आपका केतु है, लहसुनिया धारण करना लाभकारी रहता है। यदि आपका चंद्र ग्रहण का जन्म है, जैसे अभी 2 जुलाई 2019 को सूर्य ग्रहण है और 16-17 जुलाई को चंद्र ग्रहण है, यदि आपका मिथुन ये धनु राशि का केतु है साथ में चंद्र है, तो समझिए आपको 60 सती भी चल रही है, तब आपको यदि केतु की दशा चल रही है या किसी प्रकार राहु शनि की दशाएं चल रही है, तो लहसुन का धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और यही स्थिति जिन लोगों की जन्म कुंडली में मेष वृष सिंह
मिथुन कन्या और धनु, मतलब कि जिन लोगों की केतु जो है मेष में है, अभी वृष में है, मिथुन में है, कन्या के लिए है, उनके लिए भी यदि अब ग्रहण जो आ रहे हैं और उनकी जन्म कुंडली में इन राशि में केतु है, धारण करने अत्यधिक लाभकारी रहेगा। अब देखिए, केतु एक मिस्टिक स्टार है, इसके द्वारा क्रिएट की गई समस्याएं, जैसे कैंसर आपकी बॉडी में कब स्टार्ट हुआ ये पता नहीं लगता, इसका इंटरसेक्ट सिर्फ कैसे मिलता है। अब मैं आपको छोटा एक उदाहरण देता हूँ, किसी भी कुंडली में शनि की दशा अंतर दशा आने के आसपास कैंसर डेवलप होता है, बुध में वो बढ़ता है, सामने आता है, केतु में कीमोथेरेपी होती है, और शुक्र महादशा में यदि शुक्र का जब अंतर आता है, जब भी ये ग्रह खराब हो गए तो मृत्यु होती है। यानी केतु कीमो कराने के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यदि आपकी फैमिली जीन्स में अनुवांशिक या जेनेटिकल कैंसर हिस्ट्री है तो केतु धारण करने से आप इन स्थितियों से बचते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।